जो मन पे छाया वही है माया। जब कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पद और इस भौतिक संसार की कोई भी पहचान आपसे इतनी जुड़ जाए कि वही आपके सुख और दुख का कारण बने, तो समझना माया ने अपने आवरण और प्रक्षेपण दोनों शक्ति का काम आपके ऊपर कर लिया है। लोग अपने प्रियतम प्रेमी से इतने जुड़े होते हैं कि उनसे थोड़ा भी विरह उनको बर्दाश्त नहीं होता। नेताजी अपने मंत्री पद से इतने जुड़े हुए हैं कि अगर वो मंत्री पद चला जाए तो समझो वो पूरे अंदर से टूट जाते हैं, पूरे अंदर से हिल जाते हैं। लोग अपनी संपत्ति से इतने जुड़े हुए होते हैं कि अगर उससे थोड़ा कुछ भी हो जाए तो पूरे अंदर से हिल जाते हैं। दोस्तों, व्यावहारिक सत्य है, व्यावहारिक जगत में रहना होगा, संसार में रहना होगा, इससे हम भाग नहीं सकते पूरी तरह। पर माया को अगर मिथ्या करना है, थोड़ा बहुत भी मारना है, बस 10-15 मिनट बैठ जाओ, अपने आप को थोड़ी देर के लिए कौशिक मत मानो, अपने आप को नारद राजपूत मत मानो, अपने आप को जो भी यहाँ की आपकी भौतिक पहचान है उससे थोड़ा 15-20 मिनट के लिए भी हटा लो, आप देखोगे कि आपके अंदर एक शांत आनंदित परम तत्व का विस्तार मौजूद है और ध्यान के द्वारा ही वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। वास्तव में हम सब होमोसेपियंस हैं, उत्क्रांति से आए हैं, पर दोस्तों हमारा ब्रेन जिस तरह से फंक्शन कर रहा है, हमें काफ़ी सारे सुख और दुख झेलने होंगे। तो इसी सुख और दुख को परास्त करने के लिए और इसकी जो डिपेंडेंसी बनी है उसको ख़त्म करने के लिए पूरा का पूरा भारतीय अध्यात्म रचा गया है। तो आओ थोड़ा बहुत ध्यान करके अपने आप को सुख और दुख दोनों से ऊपर ले जाओ, बस यही रास्ता है।